व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू मी ट्रैवल्स। और गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वन साइंस के वे प्रोटीन का। स्पेशली इसका जो नाम है प्रीमियम वे प्रोटीन न्यूट्रिशन, वन साइंस न्यूट्रिशन का ये गाइस वे प्रोटीन आता है। इसके बारे में गाइस आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इसके रिजल्ट बताऊंगा, फ्लेवर बताऊंगा कि आप यूज़ कर सकते हो या नहीं, और इसे कैसे यूज़ करना चाहिए बेस्ट और एफिशिएंट रिजल्ट्स के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं, गाइस अगर आप चैनल पर नए हो मेक श्योर गाइस आप सब्सक्राइब करो। इसी सैटरडे हमारी एक वीडियो आने वाली है, ट्रैवल वीडियो होगी, वो ट्रैवल सीरीज चेक कर सकते हो, यहाँ पे कार्ड आ रहा होगा, बहुत अच्छी सीरीज़ है और वीडियो मिस ना करना, वो नोटिफिकेशन बेल दबा देना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो एंजॉय कर सको। और वैसे तो कैसा आज थर्सडे है, तो आज एक टेक्निकली थर्सडी थर्सडे की वीडियो आनी चाहिए। तो उसका गैस मैं आपको बता दूं कि गैस थर्सडी थर्सडे का सीज़न वन ओवर हो चुका है, सीज़न टू बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाला है। तो आज वैसे ही मैं एक वीडियो बना रहा था, काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार सप्लीमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाओ, इतना टाइम हो गया कि सप्लीमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने बोला ठीक है आज बना देते हैं, और मैं आपके लिए सामने ये लेके आया हूँ वन साइंस का प्रोटीन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गैस। सबसे पहले गैस इसकी मैं आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू बता देता हूँ, और जो कि सबसे अच्छी बात है मेरे ख्याल इस प्रोटीन की, बिकॉज इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसमें गैस आपको 30 ग्राम्स का स्कूप जो मिलता है उसमें 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, लाइक 25 ग्राम्स काफ़ी अच्छी बायो अवेलेबिलिटी है गैस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो प्रोटीन आते हैं उनमें आजकल क्या होता है कि 40 ग्राम्स का स्कूप है और आपको 27 के अराउंड प्रोटीन मिलता है, जिससे बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। कई प्रोटीन्स में इनफैक्ट 50% भी बायो अवेलेबिलिटी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लो है और मेरे ख्याल से उसे परचेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें गैस आपको ग्लूटेन फ्री प्रोटीन मिलता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मिलते हैं, तो अगर आपको प्रोटीन डाइजेस्ट करने में कई बार मुश्किल होती है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजिली डाइजेस्ट होएगा। आप इसे वाटर में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसे मिल्क में भी यूज़ कर सकते हो। मैं पर्सनली वर्कआउट के बाद प्रेफर करता हूँ कि वाटर में यूज़ करूँ, बिकॉज इंस्टेंटली गैस आपके मसल रिकवर हो जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि रात को यूज़ करो, तो रात को मैं पर्सनली मिल्क में यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, बिकॉज जब आप मिल्क में प्रोटीन डालते हो तो केसीन प्रोटीन और फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन का एक मिक्स हो जाता है, तो एज अ केसीन प्रोटीन ऐड कर लेता है। अगर आपको वैसे भी केसीन सप्लीमेंट नहीं ले रहे तो आप एक काम कर सकते हो कि आप पीनट बटर ऐड कर सकते हो, एक बनाना ऐड कर सकते हो अपने मिल्क के अंदर, और वो भी एक केसीन प्रोटीन की तरह ही काम करेगा। तो गैस 25 ग्राम्स प्रोटीन तो आपको मिलते ही है इसमें, साथ में गैस आपको 5.2 ग्राम्स एल ग्लूटामिन भी मिल जाता है। अब ग्लूटामिन गैस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मसल रिकवरी के लिए, अगर स्पेशली तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप कट कर रहे होते हो, और इसमें मिलता है 6.6 ग्राम्स BCAA। तो एक किस्म से अगर आप चाहते हो कि आपने सिर्फ एक प्रोटीन ही लेना है, ना आप BCAA लेना चाहते हो ना आप ग्लूटामिन लेना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा प्रोटीन आपके लिए रहेगा, बिकॉज इसमें आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा है, तो आपको साइड बाय साइड और सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं फ्लेवर की। फ्लेवर इतना अच्छा लगा मेरे को इसका, मैं आपको क्या बताऊँ। मिक्सेबिलिटी ओके है, मतलब कोई ज़्यादा खास मिक्सेबिलिटी नहीं है कि आप डालो मिक्स हो जाए, थोड़ा सा आपको लम्ब से बनेंगे, लेकिन जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने इसका फ्लेवर ट्राई नहीं किया, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप इसका फ्लेवर अभी ट्राई करो। ब्लूबेरी मफिन फ्लेवर का नाम है, जस्ट इन केस अगर आप भूल गए तो। सर्कुलोस इसमें मिल जाता है, एज अ थिकनर भी मिल जाते हैं आपको जैंथन ग्रम, वे प्रोटीन आइसोलेट भी मिल जाता है ब्लेंड एक किस्म से, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट दोनों चीज़ें मिल रही हैं आपको। मेरे जो इम्पोर्टर थे वो थे मसल फार्म इंडिया, काफ़ी अच्छा वैसे प्रोटीन मेरे को लगा, ज़रूर ट्राई करना एक बार। मैं आपको इसका स्कूप दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ा स्कूप है इसका 30 ग्राम्स का, वैसे तो अब 40-50 के भी आते हैं, तो ये इसका स्कूप है, पास से एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये गैस आपको मिल जाता है स्कूप, काफ़ी ठीक ठाक स्कूप है, बड़ा साइज़ मिल जाता है आपको स्कूप का। वे प्रोटीन वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाय करो। अब बात करते हैं कि कौन ले सकता है ये, तो ऑलमोस्ट कोई भी ले सकता है अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज़ पहले से नहीं है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है पहले, तो आप किसी भी अपने फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और उसके बाद ही कंज्यूम करना प्रोटीन। बाकी इसमें आपको गैस सब कुछ मिल जाता है ठीक ठीक अमाउंट में, रैपिड रिलीज इस पर लिखा हुआ है, नो अमीनो स्पाइकिंग, GMP सर्टिफाइड और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो ये था गैस मेरा रिव्यू इसके ऊपर। और अभी तक अगर आपने थर्सडी थर्सडे की सीरीज़ नहीं देखी, ऊपर कार्ड आ रहा है गैस उस पर क्लिक करो। और अगर आपको ड्रिंक्स अच्छी नहीं लगती, ट्रैवल करना अच्छा लगता है, तो अब ट्रैवल सीरीज़ का कार्ड आ रहा है, आप ट्रैवल सीरीज़ भी हमारी चेक कर सकते हो। और जस्ट इन केस अगर आपके पास कोई बाइक है और आप उसे मॉडिफाई कराना चाहते हो, उसके लिए भी मैंने सीरीज़ बनाई हुई है, उसका भी ऊपर कार्ड आ रहा है, आप चेक कर सकते हो। तो ये थी गैस मेरी वीडियो, मेरे को उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। देखने के लिए थैंक्स अ लॉट अगर आपने एंड तक देखी। सब्सक्राइब किया हुआ तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।
मेरे को उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, कोई भी इससे कमेंट करना आपको कर सकते हो, इससे इसके बारे में आप कुछ भी पूछना आप पूछ लेना मेरे को। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना तो गैस, टिल देन गैस, राइट सेफ, टेक केयर एंड बाय। रिजल्ट के बारे में गैस मैं आपको बता दूँ, रिजल्ट इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं अगर आप दो बार यूज़ करते हो, बट इन एंड गैस जो बेसिकली सारे रिजल्ट्स होते हैं वो आपकी डाइट पे डिपेंड करते हैं।